स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। सो आज की दिनचर्या को हम शुरू करते हैं और आज है 7 फरवरी यानी कि रोज़ डे। आप सभी को रोज़ डे की ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज की दिनचर्या को शुरू कर देते हैं। सो अभी स्कूल से आते आते सर मैंने मेमोरी कार्ड लेकर आई हूँ, तो ये वाला जो मेमोरी कार्ड है मैं अभी फ़िलहाल लेकर आई हूँ, मेरा जो स्टूडेंट है तो उनकी शॉप से लेकर आई हूँ। तो बेसिकली गांधी जनरल स्टोर हमारे बस स्टॉप की तरफ से हम जाते हैं उस तरफ से यहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये मेमोरी कार्ड मैंने 600 से लिया है और अभी घर पर आकर जब मैंने ऑनलाइन चेकआउट किया तो ये 550 में कुछ तो भी आ जा रहा है। मतलब ऑनलाइन इसके मतलब जो पैसे आप कम है तो आप बुलाना चाहे तो ऑनलाइन बुला सकते हैं। शॉप में तो काफ़ी महंगा मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा। ये 600 रुपये का मिला मुझे। आरिज बो सामने देखिए मेरा छोटा भाई बैठकर जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है। वैसे दिन भर ये वही ये शो देखते रहते हैं हम सभी लोग मिलकर, काफ़ी हंस जाते हैं, काफ़ी मज़ा आता है ये शो देखकर। सो क्या आप लोग भी ये शो देखते हैं मुझे बताइएगा। सो बेसिकली अभी हर स्कूल में जैसे कि पता है आपको कि माझी शाला सुंदर उपक्रम शुरू है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर देखिए हमें PDF ऑनलाइन करनी पड़ती है, मोबाइल के ऊपर फोटोज़ अपलोड करने पड़ते हैं, यहाँ पर हमारे टीचर स्टाफ लगे हुए हैं पोस्टर्स वगैरह लगाने जो कि हमारे स्टूडेंट बनाकर लाए हैं। तो सारे स्टूडेंट ऊपर की तरफ पोस्टर लगाना है ना, तो इस वजह से जो अच्छे से जो दीवार को साफ करें ये रहे सारे के सारे पोस्टर। और भी जो पोस्टर है तो इस स्लैब में रखे हुए हैं, यहाँ पर सारी गर्ल स्टूडेंट है तो सारे के सारे पोस्टर को अरेंज कर रही है एक साथ, अलग अलग तरह के पोस्टर है। तो उठी हूँ थोड़ा सा, तो अभी काफ़ी समय हो चुका है, 4 बजकर भी जा चुके हैं, तो भी थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। वैसे मेरे आई अभी पोहा करने वाली, तो आई को भी और सबको भूख लगी है, दोपहर का टाइम हो चुका है, तो चलिए थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। सो अभी बाहर आए हैं तो यहाँ पर देखिए सामने से आर्यन को हमने बुलाया इस तरफ खेलने के लिए कि छोटा सा है तो अभी चलने लगा है, तो काफ़ी इधर उधर जो चलता रहता है। ये देखिए देखो सामने से जो चल कर आ रहा है अभी यहाँ पर, तो देखिए उसे मैं जैसे जैसे आवाज़ दे रही हूँ वैसे वैसे वो आगे आ रहा है चलते चलते, मतलब उसका नाम जैसे पुकारते वो आज चला आता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे दौड़ते दौड़ते हुए आ रहा है, मतलब जब से चलने लगा है तो काफ़ी ज़्यादा घूमता ही रहता है वो इधर से उधर इधर से उधर। देखो अभी पीछे देखने लगा तो सामने उसे बुलाना पड़ता है, मतलब उसे जैसे हम बुलाते तो यहाँ पर जो दरवाज़ा है ना तो उसे चढ़ने को नहीं आता, तो उसे चढ़ा देते हैं पहले ऊपर की तरफ, तो लीजिए पकड़ लेते उसको। और यहाँ पर आ गए वो अपने बाबा के पास खड़ा हो गया। यहाँ पर शाम का समय इसलिए जो सारे बैल जो है अपने अपने घर पर जाते हैं, शाम के समय में बैल वगैरह गाय वगैरह जो है अपने घर पर लेकर जाते हैं सभी। आप देख पा रहे हो कि सभी के सभी जो बैल्स वगैरह रहते तो यहाँ पर जो अंकल अपने घर पर लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पर आर्यन को उसके बाबा पकड़ कर खड़े हो क्योंकि अगर नीचे खड़ा रहेगा तो बैल मार भी सकते हैं ना, और उसके बाद वो काफ़ी मस्ती कर देता है। जैसे हम उसे नीचे छोड़ देते जा जा उसे बुलाते उसका नाम लेते उस तरफ वो चढ़ने लगता है जाता है। तो अभी फिलहाल तो उसके बाबा उसे लेकर ही खड़े क्योंकि बैलों का आना जाना भी चालू ही है बेसिकली, तो इस वजह से उसे जो है लेकर ही खड़े हुए सभी। फिलहाल वो याद है कि यहाँ पर अपने दादाजी के साथ आता हुआ लड़का। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।